Hi everyone, welcome back to channel Rasayan. So in this video, I'm going to tell about the PhD applications for bits pilani. So if you are interested for PhD, then aapko video mein mere saath mein proceed karna hai till the end. Otherwise, ye video aap yahi pe chhod sakte hain. Yadi aapka PhD mein koi interest nahi hai, so please aapko ye video dekhne ki koi zarurat nahi hai. Theek hai? Yadi aapka interest hai PhD mein, to aapko dekhna hi dekhna chahiye, because ye aapke liye biggest opportunity ho sakti hai to take the admission into the PhD. Theek hai? Ab yahan se dekhiye, bits pilani ke bare mein har koi janta hai, not even in India. यदि हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो जो बिट्स पिलानी वो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत ही वेल रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है. ठीक है, फिर भी यदि किसी को नहीं पता है अबाउट बिट्स पिलानी, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता स्टूडेंट जिसको बिट्स पिलानी के बारे में नहीं पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा अबाउट द बिट्स पिलानी. देन हम बात करते हैं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन पोर्टल के साथ में प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इंडिया में कौन कौन से कैंपस हैं जिनके लिए ये जो एप्लीकेशन है ये आया है, तो सबसे पहली चीज यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो बिट्स पिलानी का जो एक कैंपस है वो तो वहां पे पिलानी में है. ठीक है, वो तो वहां पे पिलानी में है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा कैंपस है वो गोवा में है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. जो तीसरा कैंपस है वो है हैदराबाद में, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तीनों ही कैंपस में आप किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें. एंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये होती है, तीनों ही कैंपस के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो इक्वल है. हाँ, हॉस्टल जो फैसिलिटीज हैं, या फिर मैं बोलूँ कि हॉस्टल जो रेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. बिट्स पिलानी है वो थोड़ा सा चीप है, एंड जो बिट्स गोवा एंड हैदराबाद हैं वो थोड़े से यहाँ से एक्सपेंसिव हैं. एंड ये बिकॉज ऑफ लोकेलिटी भी हो सकता है, लोकेशन की वजह से भी हो सकता है. यू नो वेरी वेल गोवा इज वेरी एक्सपेंसिव लोकेशन, वैसे ही हमें पता है ये चीज. तो गोवा और हैदराबाद हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं उनके हॉस्टल्स. अदरवाइज यदि मैं बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर वो तीनों ही कैंपस का सेम है. ठीक है, यदि आप बात करते हो बिट्स दुबई के बारे में, तो ये दुबई वाले के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो इंडिया में कैंपस हैं इनके उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है. अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज एप्लीकेशन का जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आपको गो थ्रू कर लेना है, सारी चीजें उसमें से रीड कर लेनी है कि क्या क्या है. बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें से निकाल के मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी. सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है यहाँ से की डेट्स. ठीक है, कि कौन सी डेट से आप कौन सी डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा है 16th of October से एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हो गया था. ठीक है, 16th of October से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया था, मैंने भी देख लिया था 2-3 दिन पहले, बट फिर मैंने सोचा कि क्या ही वीडियो बनाना, बच्चों को पता चल ही जाता है. बट देन आई रियलाइज दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैंने देखा कि एटलीस्ट 240 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो पीएचडी वाले वीडियोज उनको देख रहे होते हैं. दैट मीन्स कुछ तो काम की है. ठीक है, किसी एक स्टूडेंट की भी यदि हेल्प हो जाती है सो अच्छी बात है. ये एक बार के लिए तो मैंने आइडिया स्किप कर दिया था, उनका क्यों ही वीडियो बनाना, इससे बेटर है मैं किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी. बट देन आई रियलाइज कि यदि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती, पता नहीं वो किसी की हेल्प करे ना करे, बट शायद ये वीडियो कर सकता है. दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियो, अदरवाइज एक बार के लिए मैंने स्किप कर दिया था. ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बता देना, यदि आपकी हेल्प होती है तो भी बता देना. प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज जो आप कॉमेंट्स करते हैं दैट आर रियली मोटिवेटिंग मी. ठीक है, वही मेरे लिए रियल मोटिवेशन होता है. तो सबसे पहले ये चीज यदि मैं बात करूँ की डेट्स की, तो डेट्स है वो अभी आप लेट नहीं हुए हैं, कहीं ये नहीं है कि मैम आप लास्ट डेट पे जाके वीडियो बना रहे हैं, नहीं, आप अभी भी लेट नहीं हुए हैं. 16th of October से जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हो गया था, एंड लास्ट डेट है टिल द 30th of November 2021. ठीक है, 30th of November 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ से सेकेंड चीज जो आती है वो यदि हम बात कर लें अबाउट द एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबिलिटी क्या होती है. बिकॉज देखिए, एज वी नो दैट बिट्स पिलानी इज अ वेल रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, एंड इफ आई एम टॉकिंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग देन इट्स बेटर देन सम ऑफ आईआईटीज. ठीक है, आईआईटीज जहां पे हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं, तो जो बिट्स पिलानी है वो इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ आईआईटीज से भी बहुत ही टॉप लेवल का माना जाता है. ठीक है, एंड इट्स वेरी लकी इफ यू गोट द एडमिशन इन टू बिट्स पिलानी. ठीक है, मतलब बिट्स पिलानी में एडमिशन होता है, सो बहुत ही अच्छी जगह में आप जा रहे हो. ठीक है, अब आपका फ्यूचर वो ब्राइट है. यदि आपकी किस्मत ही खराब है तो फिर उसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता. बाकी बिट्स पिलानी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छे कैंपस हैं इसके. अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आईआईटीज के कंपैरिजन का आईआईटीज को बीट करने वाला इंस्टीट्यूट है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आके थोड़ा सा चीजें फंस जाती हैं कि क्या मैम जैसे आईआईटीज में जीआरएफ या फिर गेट रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे भी जीआरएफ या फिर गेट रिक्वायर्ड होता है. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, यही सबसे अच्छी बात है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, बिकॉज आई नो दैट देयर इज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स
who are not qualified GRF or GATE. ठीक है, जिनका GRF और GATE है वो नहीं qualified है, but वो लोग हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक मी. मैं भी, मेरा भी तो नहीं है ना GRF और GATE, कोई भी मेरा क्वालिफाई नहीं है, बट स्टिल आई गेट एडमिशन इन NIT सिलचर. यदि मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आप में वो पोटेंशियल है. जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज था कि यहाँ पे GRF और GATE है वो आपका क्वालिफाई, वो यदि आप क्वालिफाई नहीं भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. ओनली MSc चाहिए आपको, लेकिन MSc में इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है विद 60%. MSc में आपका एटलीस्ट 60% होना चाहिए. यदि आपका बिलो 60% होता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिट्स पिलानी, एल्स यू कैन अप्लाई फॉर बिट्स पिलानी. यदि आपका 60% से भी बिलो है फिर आप एलिजिबल नहीं हो, अदरवाइज फिर आप अप्लाई कर सकते हो. गेट या फिर GRF की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, यदि आपके पास में गेट या फिर GRF है तो फिर आपके पास में प्लस पॉइंट है, और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, यदि आपका गेट एंड GRF क्वालिफाई है, किसी कोई भी एक इनमें से क्वालिफाई है, तो फिर आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं देना पड़ता. ठीक है, ओनली इंटरव्यू आपको देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको नहीं देना होता. ये आपका यहाँ से प्लस पॉइंट होता है. ठीक है, बाकी फेलोशिप है वो तो दोनों की सेम होने वाली है. जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाएंगे उनकी भी फेलोशिप सेम होने वाली है, GRF और गेट वालों की भी फेलोशिप है वो सेम होने वाली है. दूसरी अच्छी चीज ये है कि ये फेलोशिप भी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, फेलोशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि CSIR की, जो CSIR की फेलोशिप है 31,000 टिल द 2 years, एंड आफ्टर 2 years इफ यू आर एलिजिबल देन बिट्स पिलानी विल गिव यू 35,000 एज पर नॉर्म्स ऑफ CSIR. ठीक है, तो ये आपका जो क्राइटेरिया होता है फेलोशिप का, ठीक है, जो कि आपका CSIR का, वही यहाँ से भी होता है कि आपको 31,000 दो साल तक दिए जाएंगे, उसके बाद 35,000 दिए जाएंगे. ठीक है, पता नहीं मैं वीडियो को कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ों पे लेके जा रही हूँ, बट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसे इधर उधर का नहीं बोल रही. सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वही आपको बता रही हूँ. बिकॉज देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वही आती है ना, पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन अराइज होता है. हम जब PhD करने की बारी आती है तो वहां तक आपकी एज है वो एटलीस्ट 22-23 हो चुकी होती है, और उस टाइम तक घर वालों से पैसे कहाँ से लोगे और कितने साल तक लोगे, क्योंकि PhD इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस. तो उसके लिए सबसे जो फर्स्ट थिंग आती है वो मनी ही आती है कि पैसे कहाँ से अरेंज करें. तो फेलोशिप होना बहुत जरूरी है, और फेलोशिप आपको बिट्स पिलानी प्रोवाइड कराता है. दैट्स वाई इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट एडमिशन इन द बिट्स पिलानी. देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म अप्लाई होते ही आपका काम हो जाएगा, नहीं. ठीक है, इसके बाद भी आपके पास में चांस होता है कि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए या फिर नहीं. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से वो पहले कॉल लेटर नहीं आता था परसेंटेज बेसिस पे, वैसे ही आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आगे किस किस के साथ में प्रोसीड करना है. ठीक है, आधे हैं वो पहले भी बाहर हो सकते हैं, जिनके साथ में प्रोसीड करना है उनकी एक लिस्ट है, वो बिट्स पिलाने की एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, और वो जो लिस्ट है वो कब आएगी, 10th of December को आएगी. ठीक है, 30 नवंबर तक आप यहाँ से 30 नवंबर तक आप यहां से एप्लीकेशन डाल सकते हैं. उसके बाद शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी 10th of December तक. उसके बाद टेस्ट या फिर इंटरव्यू की यदि मैं बात करूं, देखिए लाइक इस बार की यदि मैं बात करूं, ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अप्लाई किया था फैब में जब एडमिशन ओपन हुए थे तो उस टाइम पर मैंने अप्लाई किया था. तो टेस्ट एंड इंटरव्यू बिकॉज ऑफ कोविड ऑनलाइन ही चल रहे हैं. ठीक है, ऑनलाइन ही चल रहे हैं. ये लोग क्या करते हैं, जैसे गूगल मीट के थ्रू आपको स्लाइड प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चंस के और आपको उनका आंसर करना होता है, ऐसा ही होता है. ठीक है, और जो सेकंड टेस्ट होता है, केमिस्ट्री के लिए दो टेस्ट होते हैं. फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, लाइक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड जो सेकंड टेस्ट होता है वो आपका इंटरव्यू होता है. ठीक है, वो इंटरव्यू भी हो सकता है और सेकंड टेस्ट भी हो सकता है. ऐसा कुछ जो एप्लीकेशन पोर्टल था उसमें फिक्स दिया हुआ नहीं था, वो टेस्ट भी हो सकता है इंटरव्यू भी हो सकता है, बट दो क्राइटेरिया से आपको पास आउट करना पड़ेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो टेस्ट और इंटरव्यू है, ये आपका होगा 5th to 10th January के बीच में, और इसके लिए आपको जो यदि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो फिर आपके पास में पर्सनली जो आप मेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके थ्रू आपको मेल कर दिया जाएगा दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर बिट्स पिलानी. ठीक है, कि आप जो बिट्स पिलानी है उसके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू की डेट है वो किसके बीच में होगी, 5 से 10 January के बीच में होगी, 2022 तक आप चले जाओगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैंपस रिपोर्टिंग. जैसे ही यहाँ से आपका टेस्ट और इंटरव्यू हो जाता है,
देखिए बिट्स पिलाने की सबसे अच्छी बात ये है कि डेट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे फिक्स होती हैं, रिजिड डेट्स होती हैं कि इसका इस डेट पे ये काम होना है तो होना ही है, ठीक है, इस डेट पे ये काम होना है तो ये होना ही है। टाइम टाइम पंक्चुएशन यहाँ पे बहुत है। देन यहाँ से जैसे यदि आपका हो जाता है इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 17 जनवरी को 17th of Jan 2022 को कैंपस में रिपोर्ट कर देना है। अब कैंपस आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप पिलाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप गोवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज सभी का पेपर है, सभी का इंटरव्यू, सभी का टेस्ट है वो एक ही होने वाला है, कोई अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड इस पर करेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट के लिए, कौन से कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही रहेगा, ठीक है। कैंपस एक बार के लिए जो आपने डाल दिया वो डाल दिया, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने इंटरव्यू या फिर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद बोल रहे नहीं मेरे को तो पिलानी नहीं, मेरे को तो गोवा जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार के लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दिया वही कैंपस आपका रहेगा। तो कैंपस में आपको रिपोर्ट करना है 17th of Jan को, और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा 18th of Jan 2022 को, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट एडमिशन इन PhD जो कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है। अब यहाँ से एलिजिबिलिटी की बात हो ही गई थी, और जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो थोड़ी सी है अलग, यहाँ से बहुत लोगों ने देख ली होगी क्योंकि मैं इसके आगे नहीं खड़ी थी। एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी 2600 रुपीज, 2600 रुपये, जो कि ज्यादा है, बट इंस्टीट्यूट भी आपको क्वालिटी वाला मिल रहा है, ठीक है। IITs के कंपेयर का, IITs को बीट करने वाला यदि इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो देखिए उसके लिए आपको पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2600 रुपये इसके लिए एप्लीकेशन फी होता है। एंड यदि मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर की ड्यूरिंग योर PhD तो वो भी काफी हाई फाई होता है, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ। यदि आप कंपेयर करोगे IIT से या फिर NIT से या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटीज से, अदर जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उनकी कंपेयर में बिट्स पिलानी इज टू मच एक्सपेंसिव, बिट्स पिलानी बहुत महंगा है, बट यार फेलोशिप प्रोवाइड करा रहे हैं सो आपको ऐसी कोई एक्सेस प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फेलोशिप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप जस्ट एप्लीकेशन डालिए एंड प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास में अभी देखिए नवंबर पड़ा है, पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी में जाके आपका इंटरव्यू और टेस्ट होना है, तो 2 महीने में तो आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो यू मे अप्लाई, यू शुड अप्लाई, मे नी, यू शुड अप्लाई, मैं तो ये बोलूँगी कि आपको अप्लाई करना ही करना चाहिए, बिकॉज अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड अच्छा चांस है आपके पास में। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। नेक्स्ट यदि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वीडियो बना दूंगी, आपको अपडेट दे दूंगी, अदरवाइज फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल दैट सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।